हर हर महादेव। तो आज मैं ट्रेन से केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ और इस वक्त हैं हम जलंधर जंक्शन पे। 7 घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार जंक्शन पर। तो इस वक्त माँ गंगा की पावन धरती हरिद्वार में हम आए हुए हैं और हमने स्नान कर लिया है माँ गंगा नदी में और यहाँ से हम चलते हैं केदार बाबा की नगरी में। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये देख सकते हो भाई, पानी कितना साफ है, बिल्कुल ये देख सकते हो। इसमें स्नान किया हमने और देरी ना करते हुए हमने ऋषिकेश से बस स्टैंड से हमने बस पकड़ी सीधा श्रीनगर। तो हम जा रहे हैं, ये देखो रास्ते में हमें देवप्रयाग मिला जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। हमें जाना तो था श्रीनगर से गुप्त काशी, लेकिन रास्ते में बापू मुरारी जी की कथा हो रही थी तो हम रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले वहाँ पर रुक गए और बापू मुरारी जी की पूरी कथा सुनी। हम देवभूमि उत्तराखंड में आए हुए हैं और यहाँ पर दूसरा प्रयाग रुद्रप्रयाग में आए हुए हैं और ये महादेव की भूमि है और टोटल 5 प्रयाग है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो इस वक्त हम रुद्रप्रयाग में हैं और यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, एक नदी अलकनंदा है, एक मंदाकिनी है और ये 2 नदियों का संगम होता है और ये सारी नदियों का संगम होके ये माँ गंगा में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये बहाव कितना तेज़ है और बहुत ही सुंदर दृश्य है और ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है और ये महादेव की भूमि भी बोला जाता है इसे। और देख सकते हो भाई कितना खूबसूरत नज़ारा है और उधर साइड से केदारनाथ का रास्ता निकला है केदारनाथ जाने के लिए। रुद्रप्रयाग में कई पवित्र मंदिर हैं जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं और यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं जैसे कि काली मठ, त्रियोगी नारायण मंदिर हो गया, इंद्रासनी मानसा देवी मंदिर, मध्य महेश्वर जैसे बड़े मंदिर, तुंगनाथ मंदिर जो पंच केदारों में आते हैं, ओमकारेश्वर मंदिर। अब यहाँ से चलते हैं, थोड़ा स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद यहाँ से चलते हैं हम गुप्त काशी की ओर और वहाँ पर हम लेकर चलते हैं आगे बाबा जी की डोली जा रही है हमारे केदार बाबा की, तो डोली के साथ साथ चलेंगे हम। तो यहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं और यहाँ से चलते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देख सकते हो भाई बाबा जी की डोली आ रही है और यहाँ पर गुप्त काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, ऊपर मठ है तो वहाँ पे रुकेगी डोली बाबा की। तो हम वेट कर रहे हैं भाई और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बाबा जी की डोली आ रही है तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। केदार बाबा की डोली आ चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से 400-500 मीटर है टेंपल, तो हम पहुँच रहे हैं बाबा के काशी विश्व जी के दर्शन करने के लिए जहाँ पर केदार बाबा की टोली जा रही है। तो पहुँचते हैं हम और लेते हैं शॉर्टकट यहाँ से। तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेंपल डोली पहुंच चुकी है बाबा केदार जी की और यहाँ पर रुकेगी डोली आज। तो यहाँ पर आज हम दर्शन देख सकते हो भाई टोली महादेव की पंचकेदार की पाटा पहुंच चुकी है और यहाँ पर टोली रखी जाएगी और कल मॉर्निंग में यहाँ से टोली चलेगी। आज है 7 तारीख, कल 8 की डेट को निकलेगी यहाँ से गुप्त काशी की ओर, गुप्त काशी नहीं गौरीकुंड की ओर। देख सकते हो भाई यहाँ पे शिव भोले के भक्त काफ़ी उत्साह और एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना पड़ा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
देखिए भाई, यहाँ से गौरीकुंड है 7 किलोमीटर और केदारनाथ है 24 किलोमीटर। तो इधर से अब 7 किलोमीटर जाएंगे हम गौरीकुंड और वहाँ से चढ़ेंगे चढ़ाई केदारनाथ की और बाबा की डोली के साथ अब पंच केदार बाबा को लेके जाएंगे साथ में और दर्शन करेंगे केदार बाबा के। वहाँ पे कपाट खोलेंगे 10 तारीख को और आज है 8 तारीख, तो लेके चलते हैं हम, बने रहिए हमारे साथ। तो महादेव की नगरी गौरीकुंड हम पहुँच चुके हैं और ये देख सकते हो हमारे साथ भोलेनाथ हैं और कल हम यहाँ से चढ़ाई चढ़ेंगे केदारनाथ की, जो कि 22-23 किलोमीटर का ट्रैक है, टोटल ऐसे लिखा 16 किलोमीटर है। तो ये देखिए भाई कितना अच्छा व्यू, और पहाड़ों की तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है, जन्नत में आ चुके हैं इस टाइम हम। गौरीकुंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही थी टेंट लगाने की। फिर हमने क्या किया, रेत को हटाया चारों तरफ से और उसके बाद उस रेत के ऊपर तिरपाल बिछाकर हमने वहाँ पर टेंट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं टेंट। देख सकते हो भाई यहाँ पे एक टेंट तैयार हो चुका है, दूसरा यहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे, ये भी लगा रहे टेंट। और देख सकते हो हमने टेंट लगाना शुरू कर दिया और जो मेरा टेंट था वो डीकैथलोन का था और ये वाटरप्रूफ टेंट है, और जो पास में टेंट लगा था भैया का वो वाटरप्रूफ नहीं है और बारिश का मौसम हो रहा था, इसीलिए हम जल्दी जल्दी टेंट लगा रहे थे ताकि बारिश ना आ जाए। और उसके बाद हमें पॉलीथीन लेने भी जाना था क्योंकि इनका टेंट वाटरप्रूफ नहीं था, तो मेरा तो ये वाटरप्रूफ है, इसमें पानी नहीं घुस सकता। तो हमने अपना टेंट पूरा रेडी कर लिया और रेडी करने के बाद हम निकल गए उसके बाद पॉलीथीन लेने के लिए। तो भाई गौरीकुंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश से बहुत बुरा हाल हो रहा है। और ये देखिए हमने ये तिरपाल खरीदी और ये वाला टेंट तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है भाई, ये देख सकते हो ये वाला टेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कैसे हो? बढ़िया। अंधेरे में कुछ नहीं चाहिए, नाव चला लो, देखो देखो।